सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी इस मंथ में फ़रवरी में हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। प्लीज़ एडवाइस इन योर कमेंट्स कि फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में बबीता को क्या गिफ्ट दे लूँ। न्यू व्लॉग तो जैसा कि आप देख रहे हो, हल्का हल्का कोहरा है, बहुत हल्का एक्चुअली। ये कोहरा से ना यहाँ पे बड़ी बारिश हो रही है, मतलब तेज़ नहीं लेकिन धीरे 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 बारिश हो ही रही है। पूरा अभी रुक गई है थोड़ी, तो तब से बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा है। हवा नहीं चल रही है आज, कल बहुत हवा चल रही थी तो आज हवा नहीं चल रही है। और ये वही कुत्ता जो पालतू है मगर जिसे छोड़ दिया जाता है। और बस, और अब हम कुछ चाय नाश्ता करेंगे। कल थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इसलिए जब हमने खाना बनाया पर खाने वगैरह की रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और आज भी थोड़ी सी हल्की सी बहुत टायर्डनेस वगैरह लग रही है। तो अब हम देखते हैं नाश्ता की क्या तैयारी है। चाय करेंगे, और पापा तो अभी पूजा कर रहे हैं और मम्मी किचन के कामों में है और अरुण तो यहाँ है नहीं। तो चलो देखते हैं क्या लगता है। ये देखो, ये है हमारी चटनी जो कि बहुत स्पाइसी बनी है। और यह है स्प्राउट्स, ये मेरा है, मैंने खाया नहीं, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मैंने ब्रेड और चाय खा लिया और यह मेरा चाय, इसमें ये ब्रेड का ही ब्रेड क्रम्स गिरा है। और मैं यहाँ से देखो टीवी देख रही हूँ, क्योंकि मैं आराम से चेयर पर बैठ के अपना खा पी रही थी और यहाँ से देख रही हूँ शिव शक्ति। तो एकदम रिलैक्स मॉर्निंग है हमारी। ये देखो, ये मेरा स्टीमर है और हम स्टीम ले रहे हैं। जब स्टीम ले जाती है तो नहीं, तो ये हटा दूंगे, हटा दूंगे। मम्मी बोल रही है हटा दो, मैं बोली ये हटा ही दूंगे। ये देखो, ये हमारा बहुत जूना है बहुत सारा, लेकिन ये वाला सबसे परफेक्ट है। इसको कितने साल पुराना है ये? कौन सा? ये तीन चार साल। और ये देखो, ये छेद से ना इसके स्टीम बाहर आती है और कवर करके है। इस पे मुंह रखने वाला भी है, पापा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक है, पता चला जल भी जाएगा मुंह। हाँ, ये अच्छे से होता है। वाह रे, स्टीमो ले जाता है। पापा को ना बताना पड़ता है, भावनाओं में बहते हैं। और अब इसको, ये इलेक्ट्रिक से चलता है इसको फिर, और बहुत जल्दी गर्म होता है। ये वाला है अच्छा, उसी हिसाब से तीन चार फटक से गर्म होता है ना। और हाँ, अगर आप फेशियल वगैरह करते हो ना तो उसमें जो स्टीम लेना रहता है उसके लिए भी अच्छा है, क्लीन अप और फेशियल के लिए। अब मेरा स्टीम हो गया और इसको बंद करके साइड में रख देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर से स्टीम लेंगे। मैंने अब स्टीम ले लिया है, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई। मुझे ना ये विक्स लगा के फिर भाप लेना चाहिए था, पर मैं भूल गई। पर ठीक है, भाप ले लिया, अब थोड़ी देर के बाद फिर से लूँगी, क्योंकि सर्दी की वजह से मेरे कान में भी हल्का हल्का दर्द होने लगा है। तो अब थोड़े बाद देर के बाद लेंगे। और अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर हम लोग आज लंच में बनाने वाले हैं लौकी चना। ये एक्चुअली बहुतों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो इसमें चने की दाल भिगोकर 1 घंटा आप भिगो दो, और भिगो के और लौकी के साथ एक टाइप की दाल बनती है, दाल बोल लो या काइंड ऑफ सब्ज़ी, क्योंकि हल्के से मसाले भी पड़ते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके साथ सब्ज़ी भी बना सकते हो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं भी बना सकते हो। कुछ इतना सादा नहीं लगता, टेस्टी होता है, तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी। और देखते हैं उसके साथ हम राइस, जीरा राइस या पुलाव, जो भी मम्मी या पापा बोलेंगे वो हम बनाएंगे, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। यू गाइस, तो मुझे नहीं पता कि आज बबीता ने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है नहीं, पर क्योंकि मैं कल दिल्ली आया हुआ था
तो आपको पता ही होगा, तो तेजस से आया था मैं दोस्त, अब आपने कल ब्लॉग देखा ही होगा। तो मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा हो चुका है, जब वो फाइनली मेरे हाथ में होगी चीज़ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। अब जस्ट वेटिंग कि वो एक बार मेरे पास पहुँच जाए हाथ में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। पर हाँ, जिस काम के लिए आया था वो काम हो चुका है, पर आई डिस्क्लोज वंस आई गेट दैट फुल कन्फर्मेशन। फिलहाल तो मैं, आप देख सकते हो कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे हूँ, बहुत शानदार मेट्रो स्टेशन बना रखा है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से नोएडा जा रहा हूँ, जहाँ मेरी दीदी का घर है, तो फिर से वही मिहिर के पास, जो आपने कल ब्लॉग में देखा होगा, कल मिहिर ब्लॉगिंग संभाल रहे थे। तो अब यहाँ से हम जाएंगे नोएडा, तो डायरेक्ट रूट है राजीव चौक से, तो मैं बस यहाँ से डायरेक्ट निकलूँगा और मैं नोएडा पहुँचता हूँ तो आपसे बात करते हैं, क्योंकि मेट्रो में तो आप जानते हो यहाँ से नोएडा लाइन में बहुत भीड़ होती है। तो मैं तब तक आपको थोड़ा मेट्रो स्टेशन दिखाऊँगा, ये सारे फूड जॉइंट्स यहाँ पे, बर्गर किंग भी है और आप भीड़ देख सकते हो। ये मतलब मेट्रो स्टेशन का जंक्शन पॉइंट है, यहीं पर इंडिया गेट और बहुत सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो आप बड़े बड़े बर्गर किंग, वाओ, तो पास्ता बाउल, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं यहाँ पे। तो अब मैं नोएडा वाली लाइन देख रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से अपनी मेट्रो पकड़ता हूँ। पर हाँ, ये ओवरऑल आपका क्या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का लुक है, और अब मैं अपनी नोएडा वाली ट्रेन पकड़ता हूँ। अब हम काटेंगे लौकी, अब हम करेंगे हमारे लौकी चना में जो भी मसाले डालने हैं उसकी तैयारी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब कांदा और मिर्ची, ये एक्चुअली थोड़ा सा पेस्ट ना बच गया था अदरक लहसुन का, तो मैंने वो एकदम थोड़ा सा ही था तो डाल दिया। और कांदा मिर्ची अब मैं इसमें एकदम बारीक कर लूँगी। तो हम जो ये दाल है वो दाल कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि हमको चने को पकाने के लिए सीटी भी लगानी होगी। अगर आप चना भिगोना भूल गए हो तो आपको दो चार सीटी एक्स्ट्रा लगानी होगी, तो हमने भिगा के रखा है। और ये दाल समझ लो 3 से 4 लोग के लिए काफ़ी होगा। ये देखो, ये दाल है जो हमने भिगा के रख ली है। और अब तड़के की तैयारी करेंगे। थोड़ी खाने से ज़्यादा है, क्या लगता है? मैं आपको इतना आवाज दी सोच रहा था इतना आवाज दी तो भी आप मुझे बताए नहीं। मैं आपको स्पेसिफिक बुलाई थी नीला स्वेटर, तो भी आप सुने नहीं। नीला स्वेटर तो करना ही नहीं, फिरोजी कलर। खाबो पकौड़ी, खाबो लौकी के। तो से जोन पूछा थे पहले हमने, बताओ खाओ, तुम्हें खाओगी? मेरा बड़ों की इच्छा में ही मेरी इच्छा है। तो तुम्हारी इच्छा भाई, कहो सोचे देखो, मैं बना भी सकती हूँ, बाद में मेरा मन पलट भी सकता है, इसलिए मुझे ज्यादा कैंडिडेट चाहिए। घंटी बजी, सबको लगा कूड़ा है, ये कूड़ा बीड़ा बांध के लेके गए, कूड़ा था ही नहीं। चलो दरवाजे के पास ना पिल्ले आए, वो दिखाती हूँ, लंबा से दिखते नहीं है पिल्ले, देखो देखो सारे आए। ये देखो, ये हमारे घर के नीचे खा रहा है, क्यूट है एकदम। वो देखो उधर अटक गया तो रो रहा है। और ये मेरे पापा शिव शक्ति सुनते हुए, देख तो सकते हैं नहीं तो सुनते हुए, ये देखो सुबह से यही चल रहा है। तो ये देखो, ये हमारा खाना रेडी है, और हमने बनाया है लौकी चना की दाल पकौड़ी। तो फाइनली गाइस, मैं अपना सारा काम अब करके घर पे आ गया, और मैंने जैसे सबको दिखाया था राजीव चौक से मैंने मेट्रो पकड़ी थी, अराउंड 1 घंटे लगे थे मेरे को नोएडा सिटी सेंटर आने में, वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के मैं घर आ गया। और फिलहाल तो दीदी अपने ऑफिस गई हुई हैं, जीजा जी ऑफिस गए हुए हैं, मेहर स्कूल गया हुआ है, तो तब तक मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा था, एडिटिंग का भी काम था वो भी कर रहा था। और बस अब से आधे घंटे में मेल आ जाएगा, फिर मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ।
और थोड़ी बहुत बातें उससे होंगी। शाम को शायद देखिए उसका, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है उसे। शाम को भी देखेंगे, थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो ज़रूर उसे घुमाने उमाने थोड़ा ले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी इस मंथ में फेब्रवरी में हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसके लिए भी सोचना है कि मैं क्या गिफ्ट लूँ। तो डेफिनेटली प्लीज़ एडवाइस इन योर कमेंट्स कि फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में बबीता को क्या गिफ्ट दे लूँ। तो ज़रूर कमेंट, आप ये व्लॉग देखिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शाम, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कि हमारी चाय मैंने सबको दे दी, और ये है मेरा हल्दी वाला दूध, आपको दिख रहा होगा शायद, हल्का पीला है तो दिख नहीं रहा है, हल्दी वाला दूध क्योंकि सर्दी वर्दी के वजह से, तो मैंने इसलिए चाय नहीं पिया है और अब मैं हल्दी वाला दूध ही पी रही हूँ। और यहाँ पे लगता है थोड़े थोड़े देर में मतलब बारिश हो ही रही है, अभी रुक गया है तो अब थोड़े देर के बाद, बाहर काफ़ी ठंडा है और अब थोड़े देर के बाद देखेंगे खाना वाने की तैयारी शुरू करें। तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।